गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीमा माथुर। आज क्लास सेवन्थ की हमारा पर्यावरण की बुक का चैप्टर फर्स्ट करा रही हूँ बेटा आपको। इसमें स्टोरी है कि एक रवि नाम का लड़का होता है, वो अपनी छुट्टियाँ व्यतीत करने के बाद, जैसे कि आपकी अब छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, वो छुट्टियाँ व्यतीत करने के बाद, ख़त्म होने के बाद अपने विद्यालय आता है। तो विद्यालय आते हुए आता है तो रस्ते में देखता है बेटा एक मैदान में क्या चल रहा होता है, खुदाई का काम चल रहा होता है। और फिर वो आता है स्कूल, आकर पहुँच कर अपनी अध्यापक से पूछता है कि मैम पर्यावरण क्या है। तो उनकी मैम है, वो बताती हैं कि जो भी हमारे आसपास हम देखते हैं वो क्या है, पर्यावरण है। फिर रवि उनसे कहता है कि इसका अर्थ है जो स्कूल भवन है, मेजें, कुर्सियाँ हैं, मैदान है, सड़कें, ये क्या हुए मैम, पर्यावरण के अंग हुए। तो उनकी अध्यापक कहती है हाँ जी बेटा, ये क्या है, पर्यावरण के अंग है। फिर मैम बताती है उनकी कि कुछ प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए हैं, कुछ मानव निर्मित होते हैं, यानी कि प्रकृति ने क्या क्या दिया, पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, ठीक है, सागर, महासागर, ये सब किसने दिए हैं, प्रकृति ने। और मानव ने कौन कौन सी वस्तुएं दी हैं हमें, सड़क, कार, कपड़े, किताब, भवन, स्कूल, जैसे कि आपका पुल, ठीक है बेटा, कार, हेलीकॉप्टर, ये सब क्या है, मानव निर्मित है। फिर इसी बारे में वो बच्चे आपस में बातें करते हैं। तो इससे आगे पढ़ते हैं आप बेटा, इससे आगे आते हैं पर्यावरण के बेटा घटक होते हैं दो, ठीक है, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। अब मैं थोड़ा सा आपको मानव निर्मित के बारे में पढ़ा देती हूँ पहले, सॉरी मानव के बारे में पढ़ा देती हूँ, क्योंकि मानव निर्मित उसी से अटैच है। मानव क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति से परिवार, परिवार से समुदाय, समुदाय से फिर धर्म, धर्म से शिक्षा की ओर जाया जाता है, शिक्षा होगी तो पैसे की ज़रूरत होगी, पैसे चाहिए तो आर्थिक स्तर आ जाएगा। अब पैसा भी आ गया हमारे पास तो फिर क्या करते हैं हम, एक संस्था यानी कि राजनीतिक स्थिति के उसमें आते हैं संदर्भ में, ताकि एक दूसरे के अधिकारों का क्या ना हो, हनन न हो। अब प्राकृतिक की ओर जाते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एक होता है जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल, ये चार चीज़ें होती हैं जिनको डिटेल में आगे हम करेंगे। उसके बाद बेटा कहा जाता है मानव निर्मित क्या है। अब मानव तो मैंने समझा दिया आपको, अब मानव निर्मित समझ लें। मानव निर्मित मैंने जैसे कि पिछले जो लास्ट पेज था उस पर भी बताया था आपको, जो मानव कुछ चीज़ों में, जैसे कि लकड़ी होती है बेटा, लकड़ी से क्या क्या बनता है, मेज बन सकती है, कुर्सियाँ बन सकती है, घर भी बनाए जाते हैं, उद्योगों में भी काम आती है, बहुत जगह वस्तुओं में काम आती है। तो एक वस्तु का आकार, एक वस्तु के आकार में परिवर्तन करके एक नई चीज़ का निर्माण करना, एक नई वस्तु का निर्माण करना क्या कहलाता है, मानव निर्मित कहलाता है, यानी कि मानव के द्वारा बनाई गई। अब इनमें क्या क्या है, इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक और क्या सकता है, स्कूल, कैब, कार, बाइक, हेलीकॉप्टर, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ओके बेटा, इससे आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक जीवीय होती हैं और एक अजीवीय होती हैं। जीवीय कौन सी होती हैं, जो सजीव प्राणियों का संसार होता है, जैसे कि पादप एवं जंतु, उनको क्या कहा जाता है, जीवीय। और आजीवीय किन्हें कहा जाता है, निर्जीव पदार्थों का संचार होता है, जैसे कि स्थल, ठीक है बेटा, जिनमें जान नहीं होती। अब पर्यावरण मैंने बता दिया आपको, जो हमारे आसपास है, जो हमारे जीवित प्राणियों के आसपास जो भी है, लोग हैं, स्थान है, वस्तुएं हैं, जो भी सब कुछ है बेटा, वो क्या है, पर्यावरण कहलाता है। अब प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी अथवा अजीवी दोनों परिस्थितियाँ शामिल हैं, यानी कि दोनों परिस्थितियों में, दोनों ही आधारों पर क्या पाए जाते हैं हमें, जीवी भी और अजीवी भी, ठीक है। इससे आगे और बढ़ते हैं बेटा, जबकि मानवीय पर्यावरण में परस्पर क्रियाएं और उनकी गतिविधियों द्वारा जो रचनाएं की जाती हैं, यानी कि उनके द्वारा, मैंने जैसे कि बताया, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ जो क्रियाएं होती हैं और उनके द्वारा वो जो नया एक उद्योग स्थापित करते हैं मान लो, या फिर कहा जाए तो एक नई चीज़ में परिवर्तन करते हैं, उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, वो सब है। ओके जी, इतना कर चुके हैं, अब इससे आगे बढ़ते हैं। इसी चैप्टर में आपको दिया गया है प्राकृतिक पर्यावरण। अब प्राकृतिक पर्यावरण पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार
पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कहाँ से, कैसे और किस शब्द से हुई है वो बता देती हूँ, ठीक है। पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट, ठीक है बेटा, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द, और इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसकी उत्पत्ति हुई है बेटा फ्रेंच शब्द से। वो फ्रेंच शब्द क्या है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है, उसका नाम है इनवायरोनेर या इनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है बेटा पड़ोस। जो ध्यान से देखिए, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट और इस शब्द की उत्पत्ति हुई है बेटा, ठीक है, फ्रेंच शब्द से, जिसको कहते हैं पड़ोस। ओके जी, इससे आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण पे आते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण क्या हो जाएगा, प्राकृतिक पर्यावरण में बेटा आता है भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर क्या बनाते हैं, प्राकृतिक, जो प्रकृति से, जो हमारी प्रकृति से रिलेटेड है चीज़ें वो सब। अब इनमें चार का नाम हमने पहले भी पढ़ा, फिर पढ़ लेते हैं। स्थलमंडल हो गया, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, ये चारों हो गए, इन चारों से हम परिचित हैं, ठीक है। अब इन चारों को डिटेल में पढ़ लेते हैं कि स्थलमंडल किसे कहते हैं, जलमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल और जैवमंडल। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। बेटा ध्यान से देखना, पृथ्वी की जो ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत होती है, जो ऊपर वाली, उसको क्या कहेंगे, स्थलमंडल। और यह किससे बनी होती है, चट्टानों एवं खनिजों से बनी होती है, एवं मिट्टी की पतली परत से ढकी होती है, और जो उसके ऊपर लेयर होती है वो किसकी होती है, मिट्टी की होती है। यह पहाड़, पठार, मैदान आदि से धरातल आ जाती है बेटा, ठीक है। और ये महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती है, ऐसा नहीं कि महाद्वीपों पे ही पाई जाती है, ये कहाँ, महासागरों में भी पाई जाती है। अब स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल भी प्रदान करता है, ठीक है ना बेटा, सभी यहीं रहते हैं। और एक खनिज संपदा का भी एक स्रोत है, यानी कि जैसे कि तेल का उत्पादन किससे, भूमि से किया जाता है, स्थलमंडल से तो होता है, निकलता है तेल वगैरह, ठीक है। ओके बेटा, अब आगे पढ़ेंगे जलमंडल के बारे में। अब जल के क्षेत्र को हम जलमंडल कहते हैं, जैसे कि नदी, झील, समुंदर, महासागर, इन सब से क्या है, जलाशयों से, इन सब विभिन्न जलाशयों से बनकर ये सब मिलता। और अगर ये देखो जल नहीं होगा तो मानव जीवन नहीं होगा, इसीलिए जल क्या है, सभी प्राणियों के लिए बहुत ही अनिवार्य है। उसके बाद पढ़ते हैं बेटा वायुमंडल किसे कहते हैं। वायुमंडल वह होता है जो पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत होती है ना, उसको वायुमंडल कहते हैं। अब कहा जाए तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो चारों ओर से वायुमंडल को क्या होता है, थामे रखता है, यानी ठीक है बेटा। और यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से क्या करता है, हमारी रक्षा करता है, यानी कि धूप बहुत ज़्यादा होती है तो तभी, अगर हवा चलती रहती है, हवा नहीं होगी, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, हमारी जो स्किन एकदम कैसी हो जाएगी, जला देगा वो हमें, तो ये क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। इसके बाद पढ़ते हैं हम बेटा जैवमंडल। अब देखो, पादप एवं जीव जंतु मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, जैवमंडल, या फिर सजीव संसार का निर्माण करते हैं, ठीक है। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर क्या करते हैं, जीवन को संभव बनाते हैं, यानी कि तीनों चीज़ें। अब और आगे जाने से पहले मैं आपको पारितंत्र क्या है, पारितंत्र के बारे में बता देती हूँ, जो कि इसमें जैसलमेर की एक घटना है उसमें बताया गया है, वहाँ पे कैसे रेत उड़ता रहता है, कैसे क्या है, ठीक है बेटा सारी। अब पारितंत्र क्या होता है, पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिससे वे निवास करते हैं, जिसमें ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है, यानी कि जहाँ व्यक्ति एक दूसरे से मिलकर जीवन यापन करते हैं, निवास करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों का ट्रांसफ़र करते हैं, पदार्थों का, यानी कि एक राज्य में नहीं दूसरे राज्य में भेजते हैं, वो सब क्या है, पारितंत्र है बेटा। अब इससे आगे और बढ़ते हैं इस चैप्टर में। अब देखो एक चीज़ और बता देती हूँ मैं, एक होता है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, सभी बच्चों को पता होगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है बेटा।
अब ये सारा वही पढ़ेंगे कि सभी पेड़ पौधे होते हैं वो पर्यावरण पे आश्रित हैं, जीव जंतु हम भी पर्यावरण पे आश्रित हैं, ये पर्यावरण नहीं होगा तो शायद हम इतना अच्छा जीवन यापन नहीं कर सकते, जीवन जी नहीं सकते। ठीक है बेटा, अब होता है वस्तु विनिमय पत्ति। अब वस्तु विनिमय पत्ति बेटा वह होती है जिसमें क्या होता है, अदला बदली की जाती है वस्तुओं का, यानी कि व्यापार किया जाता है, जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता लेकिन वस्तुओं का ही होता है। यानी कि किसी के पास गेहूँ है तो वो दूसरे राज्य को चावल दे देगा, उन्हें गेहूँ दे दिए जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से पहले के टाइम में ऐसा ही होता था जो कि अब भी है। ठीक है बेटा, अब उससे आगे आता है मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण में देखा जाए तो बेटा वही है कि जो पारस्परिक क्रिया करती है, मानव अपने पर्यावरण के साथ मिलकर जो कार्य करता है और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उनमें परिवर्तन करता है, ठीक है, और उन्हें अपने अनुकूल बना लेता है, ठीक है, और क्या करता है, जीवन को सरल बनाता है, सहज बनाता है, आवश्यकताओं को पूरी करता है अपनी भी औरों की भी। जैसे कि हम धरती पर क्या करते हैं, फसल उगाते हैं, पशु पालते हैं, ठीक है, जीवन जीते हैं, घर बनाते हैं, ये सब। और वस्तु विनिमय पत्ती मैंने बताई थी आपको क्या है। तो ये रवि कक्षा में मिजोरम की एक लड़की होती है नूरी, उसको अक्सर स्थान पर हरियाली की बात करती रहती थी तो उसके बारे में बताया गया। अब इससे आगे चलते हैं, हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का देखती हूँ मैं अभी आपको। देखो इसमें निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पारितंत्र क्या है, अभी मैंने बताया, देखें पारितंत्र क्या है, इसका आंसर ये होगा बेटा पारितंत्र क्या है। ठीक है, इसी प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, ये लीजिए बेटा। प्राकृतिक पर्यावरण वह होता है भूमि, जलवायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं, इसको क्या कहेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण। और इसमें यही आंसर ये भी ऐड कर देना आपने कि प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां क्या बेटा सम्मिलित हैं, शामिल हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे, फर्स्ट के यानी कि गे पे बढ़ते हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं, इतने अच्छे से मैंने आपको बताए हैं पर्यावरण के कौन से हैं, मानव निर्मित और प्राकृतिक, ये दोनों आप लिख देंगे। ठीक है, ये 3 का आंसर है, मानव निर्मित और प्राकृतिक। अब इसके गै पे जाते हैं। ठीक है, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए, जैसे कि मैंने बताया इमारत, पार्क, पुल, सड़क, ठीक है, उद्योग हो जाएंगे, ये हमारे क्या हैं बेटा मानव निर्मित। अब स्थल मंडल क्या है, स्थल मंडल देखें, ये देखिए बेटा स्थल मंडल, पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों खनिजों से बना है, मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ है, पठार, पहाड़, मैदान, घाटियां जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का एक स्रोत है, साधन है यानी कि। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर है। उससे आगे बढ़ते हैं 6 पार्ट पे। जीवीय पर्यावरण के 2 घटक कौन से हैं, पेड़ पौधे और पशु पक्षी, इससे तो आप वाकिफ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैव मंडल क्या है। जैव मंडल का बेटा इतना अभी समझाया था मैंने, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल बनाते हैं और ये क्या है, संकीर्ण क्षेत्र है, जल, स्थल, वायु मिलकर क्या है, जीवन संभव करते हैं, इसको हम कहेंगे। ठीक है बेटा, अब ये वाले हमारे क्वेश्चन आंसर पूरे हुए। अब सही गलत पे जाते हैं, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, तो ताल होगा बेटा वो नहीं है। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, तो धर्म, समुदाय तो मानव द्वारा बनाए गए हैं कि, तो क्या हो जाएगा बेटा स्थल हो जाएगा। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, सड़क हो जाएगी। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, जनसंख्या वृद्धि, यदि अधिक जनसंख्या होगी तो बेटा खतरा पर्यावरण के लिए। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। जैव मंडल कौन सा हो जाएगा, संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल, वायु तीनों मिलते हैं। वायुमंडल आपको पता है पृथ्वी को घेरने वाली चादर होती है जो वायु की, और जलमंडल जलीय क्षेत्र, और पर्यावरण क्या आ जाएगा हमारे आसपास का क्षेत्र। अब इसके बाद 4 क्वेश्चन पे आते हैं, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। ठीक है, क्या होगा बेटा इसका आंसर, ये देखें।
फोर का आंसर देखिए, फोर के क का आंसर है ये, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। ये सारा है बेटा, यहाँ तक सीख लिया, ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। मैं आपको बुक से ही क्वेश्चंस के आंसर ढूंढवा ढूंढवा के कराऊंगी, ठीक है, ताकि आपकी नॉलेज क्या होगी, अधिक अच्छी होगी। अब इसका जो खै पार्ट है बेटा, पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैसे आश्रित हैं, सभी पेड़ पौधे जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित हैं, प्राय वे एक दूसरे पर आश्रित भी हैं, जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। ये ख का पार्ट है बेटा, फोर के ख का आंसर है। तो इस प्रकार मैंने आपको कितने अच्छी तरीके से बुक से ही सारे क्वेश्चंस के आंसर कराए हैं, जो कि आपको कहीं और से करने की ज़रूरत नहीं है, बुक में ही हैं आपके, ठीक है बेटा। तो आपका ये चैप्टर फिनिश होता है यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम सेकंड चैप्टर करेंगे और इसी प्रकार से उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।